हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो, अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, स्टैक। स्टैक स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स के स्टैक के अंदर जितने भी डेटा स्टोर होंगे वो वन लाइन या वन फ्लो के फॉर्म में स्टोर होंगे। स्टैक सिंपल लैंग्वेज में हम स्टैक बोले तो एक अरेंजमेंट, वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, जैसे कि प्लेट्स की अरेंजमेंट, ये सारी अरेंजमेंट स्टैक में आती है। स्टैक के अंदर भी हम इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट मेन टॉपिक है स्टैक इज फॉलो लिफो स्ट्रक्चर। स्टैक कि जब भी अरेंजमेंट होती है तब वो लास्ट इन फर्स्ट आउट का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। मींस कि स्टैक के अंदर जो भी डेटा लास्ट इन हुआ है वो ही फर्स्ट आउट होगा। मींस कि अगर हमारे पास प्लेट की अरेंजमेंट है या प्लेट का एक स्टैक है तो उसमें से जो फर्स्ट लास्ट प्लेट जो आई थी वो ही फर्स्ट आउट होगी। वैसे स्टैक के अंदर जो भी डेटा लास्ट एंटर हुआ है वो ही डेटा फर्स्ट रिमूव होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक मेमोरी। स्टैक को हम एरे मेथड का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम एरे को डिफाइन करते हैं वैसे ही हम स्टैक को डिफाइन करने के लिए भी हम एरे का यूज करेंगे। लेट्स सी कौन कौन से स्टैक के अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मेनली स्टैक के अंदर हम ये चार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, पुश, पॉप, पीप, चेंज और अपडेट। पुश मीन्स अगर हमें कोई भी डेटा इंसर्ट करवाना हो तब हम पुश का यूज कर सकते हैं। पॉप कोई भी डेटा डिलीट करना हो तब, पीप कोई भी डेटा एक्सेस करना हो या फाइंड करना हो तब, और चेंज और अपडेट कोई भी डेटा को चेंज करना हो, उसको मॉडिफाई करना हो, ये सारे ऑपरेशन चेंज और अपडेट में हम परफॉर्म करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट हम देखेंगे पुश। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब हमें या पुश, पॉप, पीप, चेंज और अपडेट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन होती है, वो हमें पहले चेक करनी होती है, बाद में ही हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। तो लेट्स सी पुश के लिए कौन सी ऑपरेशन है। पुश को हम इंसर्शन ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, डेटा इंसर्ट करने के लिए स्टैक में। उसके लिए हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी होगी वो देखते हैं। उसके लिए हमें चेक करनी पड़ेगी स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन। जब भी हम डेटा स्टैक के अंदर ऐड करते हैं तब हमें ये कंडीशन चेक करनी होती है। स्टैक ओवरफ्लो मीन्स जब हम डेटा स्टैक के अंदर इंसर्ट करते हैं तब हमें चेक करना होता है कि स्टैक फुल और एम्प्टी है या नहीं। मीन्स कि अगर स्टैक फुल हुआ तब हम फिर से कोई डेटा एंटर नहीं कर सकते, एम्प्टी हुआ तो हम कर सकते हैं। मीन्स कि स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम डेटा एंटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो है मीन्स कि फुल है तब हम कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर स्टैक एम्प्टी है तब हम कोई भी डेटा एंटर कर सकते। यहाँ पे यही लिखा है, इफ स्टैक इज फुल देन वी कैन नॉट इंसर्ट द एलिमेंट इन द स्टैक, इफ स्टैक इज एम्प्टी देन वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट इन द स्टैक। लेट्स सी यहाँ पे एल्गोरिदम है स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, अब उसके बाद मैंने पहले ही बोला स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन हमें चेक करनी, तो उसके लिए कंडीशन टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू एन, प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो। जो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो स्टैक ओवरफ्लो लिखेला प्रिंट होगा, नहीं हुई तब टॉप की वैल्यू एक इंक्रीज होगी और टॉप की जगह डेटा स्टोर होगा एंड डेटा स्टैक में स्टोर होगा। टॉप मीन्स के इंडेक्स ऑफ अ स्टैक, इंडेक्स वो एक पॉइंटर है जो कि स्टैक की इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है पॉप ऑपरेशन। जब हमें स्टैक में से कोई भी डेटा डिलीट करना हो तब हम पॉप ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। अगर स्टैक के अंदर हमने डेटा इंसर्ट कर दिया उसके बाद हमें डिलीट करना हो तब हम पॉप ऑपरेशन के यूज से वो कर सकते हैं। जैसे पुश ऑपरेशन में स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन हमने चेक की थी, इसी तरह पॉप ऑपरेशन में हमें स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी होगी। अंडरफ्लो मीन्स स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि स्टैक में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम डिलीट भी उसे नहीं कर सकते। इसीलिए पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन हमें चेक करनी होगी। लेट्स सी उसका एल्गोरिदम देख लेते हैं।
यहाँ पे ही उसका एक्सप्लेनेशन ने दिया है कि इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी देन वी कैन डिलीट द एलिमेंट इन द स्टैक, इफ स्टैक इज एम्प्टी देन वी कैन नॉट डिलीट एनी एलिमेंट इन द स्टैक। लेट्स सी उसका एल्गोरिदम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, स्टैक अंडरफ्लो की ये कंडीशन है जो हमें याद रखनी होगी, टॉप इज इक्वल टू -1। और स्टैक के अंदर जब भी हम डेटा एंटर करते हैं या स्टैक ऐसे इनिशियल स्टेज में होता है, स्टैक में कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया होता है, तब ऑलवेज टॉप की वैल्यू -1 ही होती है, ये हमें याद रखनी होगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो स्टैक अंडरफ्लो आएगा, नहीं होगी तो एस टॉप के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, उसके बाद टॉप की वैल्यू मन डिक्रीज होगी और एग्जिट हो जाएगा। सारे अल्गोरिदम एकदम सिंपल है, बस आपको कौन से में कौन सी कंडीशन याद रखनी है वो ही याद रखना है। उसके बाद है पीप ऑपरेशन, डिस्प्ले इन अ स्टैक, एलिमेंट डिस्प्ले इन अ स्टैक। जब हमने हमारे स्टैक में कौन कौन सी पोजीशन पे कौन से वेरिएबल को या कौन से डेटा स्टोर करवाए, ये एक्सेस करने के लिए हमें पीप ऑपरेशन का यूज करना होता है। पीप ऑपरेशन के लिए भी हमें कंडीशन चेक करनी होगी, वो कंडीशन है स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन। जैसे भी पॉप ऑपरेशन में हमने स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन देखी, वैसे ही यहाँ पे स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन, इसमें हमें चेक करना होता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी हुआ तो हम पीप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, अगर नहीं हुआ तब भी हम पीप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही यह इसका अल्गोरिदम है जिसमें स्टैक एम्प्टी या स्टैक अंडरफ्लो होने की पहले कंडीशंस ली है, अगर वो सेटिस्फाई होगी तो स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट होगा, अगर नहीं होगी तब हमें जो भी डेटा एक्सेस करना है ये आंसर हमें मिल जाएगा। उसके बाद है चेंज और अपडेट ऑपरेशन। हमें स्टैक में कोई भी डेटा एंटर करवा दिया, उसके बाद हमें उसको अपडेट या चेंज करना है, तब हम चेंज और अपडेट ऑपरेशन का परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए भी एक कंडीशन है स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन। स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन में जैसे पहले ही बोला था, स्टैक एम्प्टी है या नहीं ये चेक करने के लिए कंडीशन होगी। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तब हम कोई भी डेटा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैक के अंदर एक भी डेटा प्रेजेंट है ही नहीं, तो हम चेंज क्या करेंगे। वैसे ही उसका एल्गोरिदम देखता है, उसके एल्गोरिदम में भी ये कंडीशन एसेंशियल है, टॉप इज इक्वल टू -1, जिसमें कि स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन चेक हो जाएगी। अगर नहीं है अंडरफ्लो देन आपको जो भी डेटा एक्सचेंज करना होगा उसके लिए आपको टॉप इज इक्वल टू -i +1 इज इक्वल टू डेटा, मीन्स कि अगर हमें किसी भी इंडेक्स का डेटा चेंज करना है तो ये वो यहाँ से हो जाएगा। मीन्स कि पुश ऑपरेशन में ही स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है, मीन्स कि स्टैक फुल है या नहीं। बाकी पुश पीप और चेंज और अपडेट, सॉरी पुश, अरे पुश में स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन, पॉप पीप और चेंज के ऑपरेशन में हमें स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन ही चेक करनी है। उसके एप्लीकेशन है स्टैक की कुछ, एक्सप्रेशन इवेल्यूशन। आई होप आपको इनफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में पता हो, ये भी स्टैक की हेल्प से ही सॉल्व होते हैं। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, हमें रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट करानी हो तब भी हम स्टैक का यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स, वो ही हुआ। और टावर ऑफ अननोन, एक टावर का स्टैक आता है उसको सॉल्व करने के लिए भी टावर ऑफ उसके सॉल्व करने के लिए भी स्टैक का यूज होता है। थैंक यू।